मुगलों ने भारत पर कई दशक तक राज किया है। शासन के दौरान उन्होंने कई ऐसे नियम कानून बनाए जिनके बारे में आज भी चर्चा होती है। इसके साथ साथ सुल्तान का प्रोटोकॉल और उनके राज करने के तरीका भी भारतीय राजाओं से अलग था। आज हम आपको उसी मुगल काल के राजाओं के हरम के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आखिर मुगलों के हरम की सच्चाई क्या थी और उस हरम में होता क्या था। हरम होता क्या था, आसान शब्दों में कहें तो हरम वो जगह थी जहां मुगल बादशाह से जुड़ी औरतें रहा करती थी, खास तौर से उनकी बेगम, यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थी उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी और पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। हरम बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, अपनी किताब अकबरनामा में अबू फजल ने लिखा कि महिलाओं के लिए हरम बनाने की प्रक्रिया ऐसे तो बादशाह बाबर ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत सही मायनों में अकबर ने की थी। इसके बाद जब जहांगीर का शासन आया तो हरम बनाने की प्रक्रिया और उसकी देखरेख तेज कर दी गई, लेकिन औरंगजेब के आते आते मुगल हरम की परंपरा खत्म कर दी गई। हरम में क्या होता था, हरम में बादशाह ज्यादातर अपनी खास बेगमों के साथ समय बिताने जाया करते थे। इसके साथ साथ हरम में बेगमों की एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। कहा जाता है कि इस हरम में उस बेगम की सबसे ज्यादा चलती थी जो मुगल बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। वहीं हरम को लेकर एक बात और कही जाती है कि इसकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हरम में मौजूद महिलाओं की पवित्रता पर कोई सवाल ना उठे। मुगलों ने भारत पर कई दशक तक राज किया है। शासन के दौरान उन्होंने कई ऐसे नियम कानून बनाए जिनके बारे में आज भी चर्चा होती है। इसके साथ साथ सुल्तान का प्रोटोकॉल और उनके राज करने के तरीका भी भारतीय राजाओं से अलग था। आज हम आपको उसी मुगल काल के राजाओं के हरम के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आखिर मुगलों के हरम की सच्चाई क्या थी और उस हरम में होता क्या था। हरम होता क्या था, आसान शब्दों में कहें तो हरम वो जगह थी जहां मुगल बादशाह से जुड़ी औरतें रहा करती थीं, खास तौर से उनकी बेगम, यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थीं उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी और पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। हरम बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, अपनी किताब अकबरनामा में अबू फजल ने लिखा कि महिलाओं के लिए हरम बनाने की प्रक्रिया ऐसे तो बादशाह बाबर ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत सही मायनों में अकबर ने की थी। इसके बाद जब जहांगीर का शासन आया तो हरम बनाने की प्रक्रिया और उसकी देखरेख तेज कर दी गई, लेकिन औरंगजेब के आते आते मुगल हरम की परंपरा खत्म कर दी गई। हरम में क्या होता था, हरम में बादशाह ज्यादातर अपनी खास बेगमों के साथ समय बिताने जाया करते थे। इसके साथ साथ हरम में बेगमों की एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। कहा जाता है कि इस हरम में उस बेगम की सबसे ज्यादा चलती थी जो मुगल बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। वहीं हरम को लेकर एक बात और कही जाती है कि इसकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हरम में मौजूद महिलाओं की पवित्रता पर कोई सवाल ना उठे। बादशाह शान से एक आसन पर बैठ गए। उनके बगल में बैठी उस कक्ष की सबसे ताकतवर महिला यानी रानी और उनके चारों ओर कम उम्र लड़कियों युवतियों का जमावड़ा। खुशबूदार जल और तेल से बादशाह की मालिश होने लगी ताकि गर्मी काफूर हो जाए और वह खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस कर सके। संगीत की धुन छेड़ दी गई और रानी खुद अपने हाथों से जाम बनाकर बादशाह को पिलाने लगी। इस माहौल और सोहबत ने औरतों को भी शराब का तलबगार बना दिया था, तो जाम रानी के लिए भी बनाया गया। पीने पिलाने का यह दौर तब तक चला जब तक कि बादशाह को बिस्तर पर
जाने की इच्छा न हुई, लेकिन बादशाह के साथ बिस्तर पर कौन होगा, ये फैसला होना अभी बाकी था। जहांगीर के वक्त में भारत आए डच कारोबारी फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने जो लिखा है, उसके मुताबिक हो सकता है कि रानी के बजाय जहां पनाह को उस घड़ी उनकी कोई कमसिन दासी भा जाए। ऐसा हुआ तो उस रात बादशाह के साथ दासी होगी, लेकिन इसके बावजूद रानी को हक नहीं कि वह कोई नाखुशी जाहिर कर सकें। उन्हें उतना ही खुश दिखना पड़ेगा जितना कि वह बादशाह के आने पर हुई थी। अब यह अलग बात है कि इस रात के बाद रानी से उनका बिस्तर छीनने वाली दासी महल में दोबारा नहीं दिखेगी। बादशाह अकबर के दूध भाई थे मिर्जा अजीज को का। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक आदमी को चार औरतों से शादी करनी चाहिए, एक फारसी पत्नी हो जिससे बात और मोहब्बत की जा सके, दूसरी हो खुरासानी घर के काम के लिए, पति की देखभाल और बच्चों की परवरिश के लिए चाहिए एक हिंदू महिला, चौथी पत्नी मावरुन्नाहर यानी मध्य एशिया की होनी चाहिए जो बाकी तीनों को काबू में करके रख सके। मध्यकाल की यह सोच बताती है उस दौर में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और जब बात आती है मुगलों के हरम की तो फिर यह सोच भी टूट जाती है। वहां न कोई संख्या मायने रखती है और न कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। यहाँ विभिन्न क्षेत्र, धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं रहती, पर हरम में आने के बाद उन सभी को कड़ी पर्दा प्रथा का पालन करना होता। उनके कक्ष में केवल बादशाह को जाने की अनुमति होती थी। यहाँ तक कि जवान होते बेटे भी बादशाह के हरम में दाखिल नहीं हो सकते। मुश्किल समस्या का समाधान बीरबल पास होते